दोस्तों, मैं हूं फेम गर्ग जी और आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फेम आर्ट बार। दोस्तों, आज से हम फन खताती की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको नहायत ही आसान तरीके के तहत उर्दू हैंड राइटिंग सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको जो तरीक़ाकार बताऊंगा, जो इसके बाद जो जवाबत हैं उनके ऊपर अमल करते हुए, अगर आपने सिर्फ चंद दिन मेहनत की तो इंशाल्लाह आपकी बरसों की वो मेहनत पीछे रह जाएगी और ये चंद दिन की मेहनत उसके ऊपर हावी हो जाएगी और आप और आपके असातिज़ाए किराम या आपके दोस्त अहबाब सब महसूस करेंगे कि आपकी हैंड राइटिंग के अंदर नमायां तब्दीली आ चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो सबसे। दोस्तों, इस वक्त मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई तो ये उर्दू खताती समझने में आपको बहुत आसानी होगी और पूरी अलबे की जो पट्टी हम लिखते हैं वो पूरी की पूरी इसी के अंदर आ जाएगी। और समझाने का मकसद ये है कि हमारे जो दायरे वाले अल्फाज हैं वो तमाम इसी के अंदर आते हैं और हम आम हालत में लिखते वक्त बहुत बात हमारा जीम का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, कभी सीन का हो जाता है, कभी किसी और का। आज की ये जो मशक हम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ दायरे वाले जो तमाम हरूफ हैं उनको समझाने के लिए ये मशक मैं करवा रहा हूँ। तो आप गौर से इसको देखेंगे और समझेंगे, इसके बाद आपके जहन में वो दायरे वाले तमाम हरूफ आ जाएंगे और उनको लिखने में आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। ये मैंने लंबा शीन लिखा है, इस साइड पे आप एक सीधी लाइन इस तरह खींचे। ये हमारा जीम भी हो गया। जीम चे एक है आइन गाइन, ये सगत सीन भी है और नून भी है। इसको हम
पांच कद का एलिफ डालेंगे। ये हमारा लाम भी बन गया। इसी में हम में भी मिलाएंगे। नीम यहां से हम सर सात डालेंगे और इसी के आगे हम यहां से सीन भी बना लेंगे। सीन शीन सौद जौद यहां से हम सर काफ बनाएंगे ये एक नहायत ही दिलचस्प डायग्राम है और इसी के अंदर हमारे तमाम दायरे वाले हरूफ इसी के अंदर आ जाते हैं। बस समझने की बात यह है कि हमारे जितने भी दायरे वाले हरूफ हैं वो एक ही तरह लिखे जाते हैं। इसी में हमारी ये भी आ जाती है। ये देखें तमाम दायरे वाले हरूफ इसके अंदर आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बे पे ते टे से और फे कीफ ये तमाम लफ्ज़ किस तरह लिखते हैं। सबसे पहले हम इधर बे को ड्रा करते हैं। फिर यहाँ तीन कत अलफ के साथ मिला दिया, एक तिरछा अलफ, इसमें हम यहाँ सरफा बनाते हैं।
और यहाँ से हम इसको वाव बना देते हैं। यहाँ हम सर या लगाएं तो ये बन जाती है। ये इस वक्त हमारी पूरी अलफ बे पे ते टे से जिम चे ए है। इसी के अंदर हमारी दाल और रे भी बन जाती है। दाल डाल जा रेडे जाइए सेन शेन स्वाद जात तो यहाँ भी बन जाती है, लेकिन इसको हम इधर अलग इसके साथ भी लिख सकते हैं। और तीन का तलस सर स्वाद और नीचे रे डाल दें। बड़ी ये में जो ख़ास चीज़ होती है वो इसका ये सर होता है। आप इस पे मेहनत करेंगे, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसका सही तरीका क्या लिखने का। ये अगर हम यहाँ से कलम इधर घुमाएं तो हमारी एक ये सेम इधर भी बन जाती है। बड़ी ये का ये जो सर होता है यही इसका राज है लिखने का। ये देखिए दो अब सर स्वाद भी हम इसी तरह डालते हैं कि एक सर के साथ हमारी दो स्वाद लिखी जाए। ये सर स्वाद इसको इस तरह घुमा के
दाल, अरे वाह,